नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रत्नसेन भारती। आज हम बात करेंगे सोनपुर मेले के बारे में। सोनपुर में लगने वाला विश्व प्रसिद्ध पशु मेला इस बार नहीं लगेगा। कोरोना संक्रमण को देखते हुए भीड़ भाड़ वाले कोई भी बड़े आयोजन नहीं होने हैं। ऐसे में सोनपुर मेले पर भी कोरोना का ग्रहण लग गया है। सोनपुर मेला कार्तिक पूर्णिमा से एक माह तक लगने वाला यह मेला है। इसमें हाथी घोड़ा के साथ अन्य पशु पक्षी भी लाए जाते हैं। मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी होता है। गंगा और गंडक के संगम पर लगने वाला इस मेले में देश विदेश के हजारों पर्यटक आते हैं। इस मेले में काफी भीड़ भाड़ होती है। इस साल कोरोना का कहर होने के कारण संक्रमण बहुत ही तेजी से फैल रहा है। ऐसे में सोनपुर मेले का आयोजन नहीं होगा। सोनपुर मेला बिहार में लगने वाला एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। इस मेले में हाथी घोड़े एवं कई पशु बेचे एवं खरीदे जाते हैं। यह मेला बरसों पहले से ही प्रसिद्ध है। इस मेले के इतिहास के बारे में बताया जाता है कि इस मेले में मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, अकबर और वीर कुंवर सिंह के साथ ही कई राजा महाराजा यहां हाथी खरीदने के लिए आते थे। उस समय इस मेले को बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया जाता था। सन 1803 में रॉबर्ट क्लाइव ने सोनपुर में एक अस्तबल भी बनवाया था। एक दौर था जब सोनपुर मेले में नौटंकी की मल्लिका गुलाबबाई का जलवा होता था। लोग उनकी नौटंकी का आनंद लेने के लिए दूर दूर से आते थे। वर्तमान में यह अब थिएटर का रूप ले चुका है। मुगल बादशाह औरंगजेब से पहले सोनपुर में लगने वाला यह मेला हाजीपुर में लगता था। सोनपुर में सिर्फ बाबा हरिहरनाथ की पूजा होती थी, लेकिन बाद में औरंगजेब के आदेश के बाद मेला भी सोनपुर में ही लगने लगा। सन 2001 में सोनपुर में हाथियों की संख्या 91 थी, जबकि सन 2004 में 354 हाथी सोनपुर पहुंचे थे, जबकि 2016 में हाथियों की संख्या 13 थी। लेकिन अब यह सिर्फ प्रदर्शन के लिए सोनपुर में आते हैं। सोनपुर मेले में नौका दौड़, दंगल सहित विभिन्न प्रकार के खेल और प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यह स्थान गजेंद्र मोक्ष स्थल के रूप में भी जाना जाता है। माना जाता है कि भगवान के दो भक्त हाथी यानी कि गज और मगरमच्छ यानी कि ग्राह के बीच में यहाँ लड़ाई हुई थी। कोन्हारा घाट पर जब गज पानी पीने आया तो उसे ग्राह ने मुंह से पकड़ लिया और दोनों में युद्ध प्रारंभ हो गया। कई दिनों तक युद्ध चलता रहा। इस बीच गज जब कमजोर पड़ने लगा तो उसने भगवान विष्णु की प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने कार्तिक पूर्णिमा के दिन सुदर्शन चक्र को चलाकर इस युद्ध को समाप्त कराया। दो जानवरों के युद्ध के कारण यहाँ पशु की खरीदारी को शुभ माना जाता है। इसी स्थान पर हरि यानी कि भगवान विष्णु और हर यानी कि भगवान शिव का हरिहर मंदिर भी है। यहाँ प्रतिदिन सैकड़ों भक्त जलाभिषेक के लिए आते हैं। कहा जाता है कि भगवान राम ने इस मंदिर का निर्माण माता सीता के स्वयंवर में जाते समय करवाया था। सोनपुर मेले के इतिहास में यह पहली बार है जब साल 2020 में सोनपुर मेले को बंद करना पड़ा है। ऐसे में यह पशु प्रेमियों के लिए यह एक झटका है। बिहार से जुड़ी और भी ऐसे ही वीडियो के लिए बने रहे बिहारी न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।